नमस्कार, ये फ्यूचुरा डोसा तवा, वही ये फ्यूचुरा का ही रोटी तवा है। लेकिन क्या हमें सच में दो अलग तवे की ज़रूरत है या ये कंपनी की कोई मार्केटिंग ट्रिक है? सच में दोनों में कुछ अंतर है या एक ही प्रोडक्ट में थोड़ा फर्क क्या है, देखना जरूरी है ना। डोसा और रोटी तवे में मूलभूत अंतर क्या है? तो डोसा तवा प्लेन फ्लैट होता है, रोटी तवा अंदर झुका हुआ यानी कवर होता है। फ्यूचुरा ने ये जो डोसा तवा और रोटी तवा अलग अलग बनाए हैं वो बारीकी से स्टडी करने के बाद बनाए हैं, कुछ मेजर डिफरेंस के साथ। कंपैरिजन के लिए हमने एक ही साइज के दोनों तवे लिए हैं। एक है फ्यूचुरा नॉनस्टिक डोसा तवा 28 सेंटीमीटर डायमीटर और 4.88 मिलीमीटर थिक, और दूसरा है फ्यूचुरा हार्ड एनोडाइज रोटी तवा सेम डायमीटर और थिकनेस का। फ्यूचुरा डोसा तवे की बात करें तो ये एकदम फ्लैट तवा है। ये इतना फ्लैट है इसलिए तो इस पर अच्छा क्रिस्पी डोसा हम बना सकते हैं होटल जैसा। जर्मन मेड स्पेशल नॉनस्टिक कोटिंग इसके ऊपर है। नॉनस्टिक कोटिंग का फायदा आपको मालूम ही है कि तेल के बिना या बहुत कम तेल का इस्तेमाल करके हम पदार्थ बना सकते हैं और वो पदार्थ नॉनस्टिक सरफेस पर चिपके नहीं रहते। इस कोटिंग की कंपनी 2 साल की गारंटी देती है, पर ठीक से उपयोग में ले तो और ज़्यादा साल ये तवा उपयोग आ सकता है। तवे की अपोजिट साइड एनोडाइज की हुई है। एनोडाइज सरफेस कई सालों तक ऐसे का ऐसा ही रह सकता है, थोड़ी प्रिकॉशन के साथ यूज करें तो। ना इस पर स्क्रैचेस आते और ना ही ये रंग उखड़ जाता है। फ्यूचुरा रोटी तवे की बात करें तो ये थोड़ा कर्व तवा है जो रोटी चपाती वगैरह बनाने के लिए आवश्यक है। रोटी तवा हमारे रोज की ज़रूरत है और ज़्यादातर हम रोटी तवा थोड़ा रफली यूज करते हैं, इसलिए ये पूरा तवा एनोडाइज है जो रफ यूज से भी जल्दी ख़राब नहीं होता। इस तवे पर हम स्टील का चम्मच उपयोग कर सकते हैं। फ्यूचुरा रोटी तवे की वीडियो पहले ही अपने चैनल पर है, जिसके लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फ्यूचुरा डोसा तवा और रोटी तवा एक ही थिकनेस के हैं, पर डोसा तवे की मोटाई ज़्यादा लगती है। ऐसा क्यों? तो इसके एजेस कर्व नहीं किए हैं रोटी तवे जैसे। ये कर्व इसलिए नहीं किए हैं कि हम जब डोसा बनाते हैं तो बैटर तवे पर डालते वक्त या स्प्रेड करते समय कई बार थोड़े ड्रॉप्स तवे से बाहर निकल जाते हैं। अगर तवा कर्व किनारों वाला है तो ये बैटर किनारों से तवे के पिछले भाग पर जाकर चिपकता है, फिर बार बार उसके जलने की बदबू आएगी और वो तवे से ऐसे चिपकेगा कि साफ करने में मेहनत पड़े। वही फ्लैट किनारों के कारण अगर बैटर तवे से बाहर भी आया तो वो सीधा नीचे गिर जाता है, जो साफ करना मुश्किल नहीं है। फ्यूचुरा ने डोसा और रोटी तवे के हैंडल में भी फर्क रखा है। डोसा तवे का हैंडल प्लास्टिक का है, जो गर्म होने की संभावना नहीं है। वही रोटी तवा स्टेकुल स्टील हैंडल के साथ आता है, इसका मतलब ये गर्म नहीं लगता कुछ अंतर पर पकड़ने से। वैसे तो स्टील हैंडल अच्छा लगता है, फिर डोसा तवे को ये क्यों नहीं? इसके लिए हमें इनका जॉइंट देखना चाहिए। स्टील हैंडल का जॉइंट तवे पर ही है, वही प्लास्टिक हैंडल का जॉइंट तवे के सर्कुलर बेस से बाहर है। नॉर्मली रोटी हम तवे से छोटी ही बनाते हैं, वही डोसा हम तवे के पूरे साइज का बनाते हैं। अगर ये जॉइंट तवे के राउंड बेस पर रहेगा तो बड़े साइज के तवे का पूरा उपयोग हम कर नहीं सकेंगे। जॉइंट के स्क्रू बीच में आएंगे, बैटर स्क्रू में फंस कर वो भाग पूरा गंदा हो जाएगा और साफ करना मुश्किल होगा। ये सब ध्यान में लेकर ब्रॉड और मजबूत प्लास्टिक हैंडल दिया है, जिससे कि तवा उठाने में अच्छी ग्रिप मिले, क्योंकि ये तवा 1 किलो से भी ज़्यादा वजनदार है, एक हाथ से उठाना भी आना चाहिए। वैसे तो हम एक ही तवे पर रोटी भी बनाते आए हैं और डोसा भी, पर डोसे के तवे पर रोटी चपाती उतनी अच्छी नहीं बन पाती और रोटी के तवे पर बनाए हुए डोसे को होटल जैसी टेस्ट नहीं आती। इसलिए डोसा और रोटी के लिए दो अलग तवों की ज़रूरत तो है। फ्यूचुरा के डोसा तवे पर हम आमलेट, उत्तप्पा, आलू टिक्की, दाल पीट, घावन वगैरह भी बना सकते हैं टेस्टी और सुंदर। रोटी तवे पर चपाती, भाकरी, पराठा, फुलका, पूरनपोई वगैरह जल्द और आसानी से बन पाते हैं। फ्यूचुरा का डोसा तवा और रोटी तवा दो अलग अलग बेहतरीन उत्पादन है। थोड़े महंगे लग सकते हैं, पर ऑनलाइन कभी कभी थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे है। थोड़े प्रिकॉशन के साथ यूज करें तो ये पैसे वसूल होने तक काम आ सकते हैं। बॉक्स में मिलने वाले बुक में हमें इनके प्रिकॉशन के बारे में डिटेल जानकारी दी है। तवे के इस्तेमाल से पहले इसे पढ़ना जरूरी है। और ऐसे पैसे वसूल करके देने वाले उत्पादनों की डिटेल जानकारी पाने के लिए अपने पैसे वसूल चैनल पर वीडियोज़ देखना जरूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जय हिंद।